औरंगाबाद जिले का बारुण प्रखंड का पिपरा पंचायत, जहां पंचायत आम निर्वाचन के तीसरे चरण का चुनाव होना है, बदलाव की बयार बह रही है। पूरे पंचायत के मतदाताओं से जानकारी लेने पर पता चला कि निवर्तमान मुखिया और बंटी सिंह की पत्नी रीमा देवी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। लोगों ने बताया कि चेहरा देखकर काम हुआ है। पिपरा पंचायत के गाँव की गलियों में नाली बह रही है, जहाँ पैर रखने के लिए भी सोचना पड़ता है। वहीं गरीब, निशक्त और बुजुर्गों की भी अलग शिकायत है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अन्य योजनाएं, मुखिया ने कहीं काम नहीं किया। अगर किया भी होगा तो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों में शौचालय भी नहीं बना है। ताज्जुब की बात यह है कि पंचायत ODF घोषित है, मतलब कि शौचालय बनाने के लिए पैसे जरूरतमंदों को न देकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आप भी देखें क्या कह रहे हैं पिपरा पंचायत के मतदाता। कहाँ कर्मों का है? मुखिया अच्छे लगते हैं, हम मदद करेंगे। पहले का मुखिया काम नहीं किए थे? नहीं किए थे, नाली गली सब कीचड़ा है। नाली गली भी नहीं बना है? का लाल कार्ड सब बना था आप लोग के? कुछ ना, हम के राशन कार्ड नहीं बना। कुछ ना, आयुष्मान भारत वाला हॉस्पिटल वाला गोल्डन कार्ड? हाँ, कुछ ना। कुछ नहीं बना है? क्या नाम हुआ आपका? तुलसी देवी। तो इस बार क्या प्लान किए? मुखिया जीत जतन तो बनाए था। अच्छा, किन को वोट देंगे इस बार? प्रीति देवी। का छाप है उनका? बहुत छाप। अच्छा, धन्यवाद। का नाम है? गिरिजा देवी। तो गाँव में तो खूब गली नली ढलाया है ना मुखिया जी के टाइम में? माने ओकरा पर माने चलना फिर दुतला ना नहीं ढला गया? कि चारू भर के पानी आन करके हम दूरा पर हमने के भर कमर लगा दे। का बात कर रहे हैं? बनाना चाहते हैं। मुखिया जी तो कह रहे थे कि सब हम सब सारी गांव ढलवा दिए हैं। पुरन का मुखिया कहने से नहीं होगा, आंख से देखने के लिए। आपके यहाँ काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं। तब इस पर किसको वोट देना है? विजय जी के। का छाप है? ढोल छाप। क्या नाम हुआ आपका? आए लसिया देवी। कहाँ घर हुआ है? ख्यालगंज। हाँ। गांव में विकास हुआ है पूरन का मुखिया का? घर छावी पड़ेगा, नाली के काल के पानी तो बीच। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला है? कॉलोनी कॉलोनी नहीं है, फूस के घर है। नहीं मिला है? फूस का घर है, मट्टी के घर है, वो में डॉलर डी मिला है। क्या बात कर रहे हैं? आयुष्मान कार्ड मिला है आपको? गोल्डन कार्ड? कुछ ना, कुछ नहीं है। बीपीएल? बीपीएल में है कि नहीं है? राशन है, तनी मनी खाली राशन मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है, उसके बाद भी आपको मकान नहीं मिला? ना, कुछ नहीं मिलता। तो क्या इस बार क्या सोचे हैं? इस बार क्या सोचे हैं? बदलाव सोचे हैं क्या? सोचते हैं कि ढोलक छाप में वोट देंगे, जीतेगा तो कुछ बनाएगा। ढोलक छाप जिंदाबाद। क्या मैंने वादा किए हैं इस तरह का? ढोलक छाप में वोट देंगे, ढोलक छाप जीत जाएंगे, तब मांगेंगे घर, मांगेंगे पक्का। मतलब ये वादा किए हैं कि हम देंगे? देंगे, वोट देंगे। अच्छा, मतलब ये आपको मकान दिलाने का वादा किए हैं? मकान मुखिया जी जीत जाएंगे तब ना। अच्छा, जीत जाए तब दी हैं मतलब। अच्छा, क्या नाम बताए? हम तो लहसिया देवी। धन्यवाद है। हाँ, श्रुति देवी। कहाँ मकान हो? कर्मा। क्या गांव में विकास का हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ गोड़ से लचार है, कुछ नहीं मुखिया जी बनाया। गोड़ से लचार है, चोट उठ लग गया क्या? अच्छा, आपको विकलांग होने के बाद भी सरकार के कोई योजना का फायदा मिला है आप लोग को? ना, कुछ ना। कोई रोजगार रोजगार कुछ ना। मुद्रा योजना चाहे कोई किसी तरह का योजना का लाभ कुछ ना। तो क्या प्लान है इस बार? बदलाव के प्लान है, जीतेंगे तो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। क्या माहौल है जी इस बार? अभी तो इस बार मुखिया का माहौल हमारे प्रीति कुमारी का बहुत अच्छा है पंचायत में।
अच्छा है पंचायत में, क्यों अच्छा है पंचायत में? पहले का मुखिया भी बहुत काम किए हैं, मुखिया नहीं रहते हुए भी बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, कहीं भी कीचड़ हटाने का काम किए हैं, नली साफ करवाने का काम किए हैं, और कभी मरीज को भी ढोने का काम किए हैं। यूथ के लिए क्या किए हैं, युवाओं के लिए क्या किए हैं? युवाओं के लिए हम लोग के लिए शिक्षा का जो कंप्यूटर का लाने का कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग खोलेंगे पंचायत में, कोचिंग खोलेंगे और गरीब मतलब बच्चों को उसमें मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो काम उसके लिए बहाल किया जाएगा मुखिया जी की तरफ से, जिसमें कुछ नव युवक वर्गों का मतलब कि आधुनिक शिक्षा जो गांव के बच्चे हैं जो वंचित रह गए हैं टेक्निकल शिक्षा से, उनको टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, कंप्यूटर की शिक्षा दिया जाएगा गांव में ही, और जो सीखे हुए रहेंगे उनको जाति आवासी सब बनाने के लिए ब्लॉक ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा, यही सुविधा दिया जाएगा। मतलब ऐसा वादा किए हैं जनप्रतिनिधि, क्या नाम है उनका जो वादा किए हैं? उनका नाम है विजय कुमार सिंह, वही लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी पत्नी लड़ रहे हैं जिनका नाम है प्रीति कुमार। क्या छाप है? ढोलक छाप है। अच्छा, तो आप मतलब चाह रहे कि इस बार बदलाव हो? जी, इस बार तो बदलाव होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। आप लोग के मोहल्ला में जो पुराने मुखिया हैं आपके गांव में काम हुआ है? हम लोग वार्ड में तो जिला परिषद, वार्ड नहीं गांव के हम बात कर रहे हैं, हम लोग गांव में मुखिया काम कोई काम नहीं हुआ है। ODF के बाद रास्ता पे स्थिति ठीक है कि गांव के लोग सोच करते रास्ता पर ही? नहीं, अभी वैसा ही स्थिति। ODF का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या है इस बार का मनोस्थिति ग्रामीणों का? हम लोग ग्रामीण लोग का यही है कि अभी बदलाव का मुद्दा है। किनके पक्ष में है आप लोग? हम लोग ढोलक छाप के पक्ष में। कौन है ये ढोलक छाप? ढोलक छाप प्रीति कुमारी है। कहाँ के हैं? कर्मा। धन्यवाद बाबू। सुनेश कुमार। पढ़ाई करता है? क्या करता है? अभी तो BSc हो गया है। BSc फाइनल हो गया है? क्या जॉब की तैयारी होती है? हाँ जी। पुराने मुखिया गांव में काम करवाए हैं? नहीं, अभी तो नहीं करवाए हैं। तो अभी नहीं करवाए मतलब 5 साल तो बीत गया? हाँ बीत गया, वो तो बात बीत ही गया। हाँ। अभी तो नहीं कराए, जो बात था वो तो हो ही गया, अभी तो नहीं करवाए। काम नहीं कराए हैं? नहीं करवाए। तो फिर क्या प्लान है इस बार? क्या प्लान है, दूसरे उम्मीदवार खड़ा हुए उनको जिता देंगे। दूसरे उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, तो किस पर आप भरोसा जता रहे हैं? रामचंद्र का भरोसा रखे हैं। का छाप इनका? ढोलक छाप है। ढोलक छाप है, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है बाबू? पप्पू कुमार। कहाँ मकान हुआ? जानपुर। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? पूर्व मुखिया क्या देख रहे हैं कि 5 साल से जो मुखिया बने बहुत बार पीछे भी बने, कोई विकास का सुधार नाम का चीजें नहीं है, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं। 7 वार्ड में देख रहे हैं खाली जल नल योजना सही है, 8 वार्ड में टंकी कहीं फेंक रहे हैं तो कहीं कुछ है, नाली नहीं है, हर नली में कचर से भरा हुआ है, जहाँ नाली है तो कचरा भरा हुआ है, रोड पर पानी बह रहा है कहे का मतलब आपका? जी, रोड भी तो नहीं है जहाँ भी जाइए। अच्छा, माने रोड भी नहीं है, माटी के रोड है, कचरा वहाँ पे तो कीचड़ हुआ है मतलब, बड़ा मुश्किल है। फिर 5 साल में एक बार आप लोग काम नहीं मांगे कि काम करा दीजिए? काम मांगते रह गए, कुछ भी विकास नहीं हुआ। और जो पानी टंकी बता रहे हैं नल जल का योजना, फायदा हुआ कुछ उससे? 7 वार्ड में फायदा है, 8 वार्ड में कुछ भी नहीं है। माने पानी पहुंचा कि रास्ते में रह गया? रास्ते में नहीं, जल नल योजना जहाँ है वहीं पे रह गया बस। माने स्टार्टो नहीं हुआ? स्टार्ट हुआ है, जहाँ 2-4 घर गया उसके बाद बंद है तो बंद है। ओह, तो बड़ा मुश्किल है। क्या है इस बार प्लान? इस बार प्लानिंग है कि विजय सिंह को मुखिया बना दिया जाए। क्या है छाप उनका? ढोलक छाप। दो कैंडिडेट का नाम क्या है? प्रीति देवी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आपके गांव में तो बहुत विकास हुआ है जी? नहीं सर, विकास तो आप अगर जाएंगे वहां देखेंगे, नाली में पूरा पानी जमा हुआ है और रास्ते पे आ जाता है, बरसात में लोगों को जाने में काफी प्रॉब्लम होता है, वहाँ पैर अभी भी मतलब पूरा ये हो जाता है, मतलब कीचड़ है रास्ता पे, कीचड़ काफी ज्यादा है। नाली बना है? नाली वगैरह जो बना है विकास के लिए एकदम नाम मात्र का, जिसमें जो कोई भी क्वालिटी नहीं है, वो 2-3 महीने बाद तो मैंने जो स्थिति 5 साल पहले था वही स्थिति अभी है, वही स्थिति है। तो आखिर आप लोग बदलाव उस समय भी किए थे तो कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना? कुछ नहीं फर्क पड़ा, पड़ा नहीं है, 0%। इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि कोई शिक्षित उम्मीदवार को हम लोग रखे, जो जिनको नॉलेज रहे कि ब्लॉक से हमें फंड लाना है और पंचायत में विकास करना है, मतलब एक्टिव आदमी चाहिए। एक्टिव आदमी चाहिए। पहले वाले निष्क्रिय थे, इसका मतलब कि उनको बारे में तो अभी आप जाएंगे पंचायत में तो देख लेंगे, अगर पढ़े लिखे रहते, अगर उनमें उतना कैपेसिटी रहता तो वो पंचायत में नाली लाते, जल जमाव का सुविधा को हटा, समस्या को खत्म करते।
आप जो ये रास्ते पे जितने भी हमारे यहाँ पे टॉयलेट अभी दिख रहा है वो पेपर में शायद हो सके तो 100% दिख रहा होगा, बट नहीं, ODF घोषित है, पंचायत तो आपका ODF घोषित है, ODF घोषित है, बट है नहीं ना, है नहीं, क्षेत्र की स्थिति खराब है, बहुत खराब है। क्या प्लान है आप लोग के, आप लोग के प्लान क्या है इस बार का? प्लान इस बार है कि दीदी भी कुछ कहेंगे और पढ़े लिखे जो उम्मीदवार हैं हमारे इंजीनियर साहब विजय जी, उनको हम लोग आगे करके अपने पंचायत का विकास चाहते हैं। क्या छाप है उनका? उनका छाप ढोलक छाप है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या बाबू, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार दिए लैट्रिन ना है रोड पर, हमने की बेटी बहू जाई थे, जैसे कि हमने कहाँ मकान है अपने के? कौन गांव है ये? हसिया बीघा। अच्छा, तो क्या समस्या है? समस्या है कि जैसे कि हमने के घर में लैट्रिन बन जाए तो बेटी बहू की इज्जत हो जाए, तो का तो लैट्रिन नहीं बना आप लोग, शौचालय नहीं बना? तो शौचालय का तो पैसा जारी हो गया, ODF घोषित हो गया, आप लोग को नहीं मिला कुछ? हमने के ना बन में ना कल है तो कौची से गरीब आदमी बनाऊ, पैसा मिला था ना, पैसो ना, और ODF भी घोषित हो गया, तो हमने खाऊं के अब तो शौचालय आप लोग का नहीं बना ना। अरे ये तो फिर मैंने गलत गड़बड़ हो गया फिर तो, शौचालय बनना ही नहीं। क्या नाम है आपका? पंचायत पिपरा से निवासी हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव और पूरा पंचायत में जहाँ जहाँ जो भी मुखिया बने अपना गांव का विकास किए, और दूसरे गांव का विकास करने का अधवा में पब्लिक से भी राय भी नहीं लेते हैं कि हम क्या करें। ग्राम समिति की बैठक नहीं होती है? नहीं होती, होती भी है तो अपना मुँह छिपा कर मुखिया चले जाते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की ऐसा चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं मुखिया, ऐसा चुना जाए कि जो हमारे पूरा पंचायत को विकास करे। तो कौन ऐसा है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कि अभी विजय जी जिनका छाप ढोलक छाप, मैंने उनकी पत्नी है ना, प्रीति कुमारी, अच्छा, और ढोलक छाप, अच्छा, इनका दो नंबर पे है। आपको कैसे कह रहे हैं आपकी बढ़िया है? सर ऐसे कह रहे कि जो भी इनका चुनाव से पहले ही अपने इतना शादी करवा चुके, पैसे दे चुके, किन्हीं मतलब मदद करते हैं समाज के लोगों को, मदद करते हैं, बहू बेटी को इज्जत देते हैं, और दूसरी बात है कि चुनाव से पहले अपना नली साफ करवा, मतलब चुनाव के पहले भी मुखिया वाला काम किए जो काम मुखिया को करना चाहिए, जो काम मुखिया के करना था वो विजय जी कर चुके हैं। धन्यवाद। हाँ, कौन गाँव है बाबू? तुर ग्राम पंचायत पिपरा के निवासी है। गांव क्या नाम क्या? बरौली गांव के नाम। आपका क्या नाम है? पिता के ना ना तोर का नाम होगा राजवंशी, हमारा बीरान राजवंशी नाम है। अच्छा, चलिए, क्या का समस्या है गांव का? समस्या यही है कि हमारा गांव का कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं हुआ पंचायत से। कोई पंचायत से काम नहीं हुआ, हमारा पंचायत से यही चाहिए कि हमारा कोई निवेदन नहीं हुआ, इतना हम कि हम की पंचायत से हम अलग नहीं तो ना बताइए, यहाँ हमको पास यहाँ टांकी लगा है, यहाँ टांकी लगा है, यहाँ टांकी देख लीजिए, टांकी आपको सामने दिख रहा है, तो नल जल का लाभ आपको नहीं मिला? टांकी के ना जल के लाभ नहीं मिला। अच्छा, क्या चाह रहे हैं इस बार? सामने टांकी है फिर भी हमको पास पानी नहीं मिला, मतलब आप को नल जल का लाभ नहीं मिला, आपके घर तक पाइप नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। ये तो फिर अन्याय हुआ आपके साथ। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? तो कैसे होगा, क्या आप इस बार पुराने मुखिया को वोट देंगे कि नए प्रत्याशी को वोट देंगे? पुराने मुखिया के वोट देंगे नहीं, हम नए प्रत्याशी के चुनेंगे, नए प्रत्याशी चुनेंगे। पुराने मुखिया हम जब हमको साथ नहीं दिए तो नए प्रत्याशी हम चुनेंगे? बहुत 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 बहुत। तो हमारा पुराने प्रत्याशी जब साथ नहीं दिए तो हम उसको साथ कहे देंगे? धन्यवाद। पिपरा पंचायत के हर गांव की यही कहानी है। हर गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सड़क पर नालियां बह रही है। इस पर ग्रामीणों की मन टटोलने के बाद यही लगा कि पंचायत में बदलाव की बयार बह रही है। औरंगाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।